इंडियन वेडिंग फेयर में आपका स्वागत। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के लीला होटल के अंदर, जहां पे इंडियन वेडिंग फेयर लगाया गया है। और यहां जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां एक से एक ड्रेसेस हैं, फोटोग्राफी से रिलेटेड चीज है, मेकअप से रिलेटेड चीज है, जो कि आगे हम आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि यहां पे क्या कुछ खास होने वाला है। तो आइए हमारे साथ चलिए। अगर आप भी शादी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी इंतजार ना करें, आपके लिए सारी चीजों की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। और अगर आप शादी की बहुत नजदीक है तैयारी करने में, तो आप अगर मेकअप कराना चाहते हैं और बेहतरीन खूबसूरत कैसे लगना होगा, तो आप स्टार ट्रक वेडिंग डिजाइनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग आशमीन मुंजाल स्टार सलोन से हैं, और हमारे यहाँ बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ क्लाइंट्स आते हैं खूबसूरत बनने के लिए। उनकी वेडिंग से पहले और वेडिंग वाले दिन उन्हें हम एक नया लुक क्रिएट करके देते हैं। जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस से बहुत ज़्यादा हम उन्हें खूबसूरत बनाकर भेजते हैं। और साथ ही हम स्टार स्ट्रक वेडिंग डिज़ाइनर्स से भी हैं। सो सर आपको बताएंगे प्रॉपर प्रोसेस कि क्या स्टार स्ट्रक के अंडर क्या है। कॉन्टैक्ट हमारी वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वेन्यू डिसाइड करते हैं, उसके बाद डेकोर डिसाइड करते हैं, कैटरिंग डिसाइड करते हैं, आफ्टर दैट फिर पूछते हैं क्लाइंट्स को, अगर हॉस्पिटैलिटी की ज़रूरत है तो हॉस्पिटैलिटी भी देते हैं, जिसके अंदर हम लोग उनके गेस्ट का आना जाना कैसे रहेगा, कहाँ रुकना है, कहाँ पर उन्हें क्या देना है, होटल में रूम्स में क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है, ये सब हम देते हैं। डेकोर में बेसिकली ऐसा देते हैं कि लाइफ टाइम ध्यान रहे, ये मान के चला जाए ऑल इन वन यस, सारी सुविधाएं उन्हें सारी फैसिलिटीज एक ही जगह। यस बिल्कुल, वेडिंग डिज़ाइन भी करेंगे, वेडिंग प्लानिंग में सब कुछ ही आता है उसके अंदर, बेसिकली मेहंदी से लेकर विदाई तक। सौभाग्य आप एक मॉडल हैं और आप बहुत सारे लोगों से मेकअप कराते होंगे, यहाँ पे जो आपका मेकअप हुआ है या और जो आपके मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करते हैं, कैसा उसके अंदर क्या चेंजेस आप देखते हैं, कैसा फील करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द कंफर्ट व्हिच आई गेट ओवर हियर, द कंफर्टेबल जोन बहुत एरिया है, ओके। एंड सेकेंडली इफ आई टॉक अबाउट द अदर आर्टिस्ट, दे आर नॉट मच प्रोफेशनल लाइक द आशमीन मुंजाल स्टार अकेडमी पीपल, दे आर मच एंड हाई लेवल प्रोफेशनलिज्म ओवर हियर। एंड ऑल्सो आई एम अ स्टूडेंट इन आशमीन मुंजाल स्टार अकेडमी, एंड इट इज़ एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट दे गेव मी फॉर बींग अ मॉडल और प्लेइंग अ रोल एज अ वॉलंटियर फॉर देम। सो टुडे आई ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग अ मॉडल। ऑब्वियसली मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा लुक पसंद आ रहा है, तो इससे भी ज़्यादा वेराइटी के लुक जो मैंने खुद देखे हैं प्रोफाइल में, वो भी बहुत ज़्यादा वैरायटी में मैम के पास अवेलेबल हैं। तो आप जाकर कंसल्ट करो, इफ़ यू आर लाइकिंग माय लुक तो आपको जो प्रोफाइल में लुक्स है वो भी पसंद आएंगे। सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर आशमीन मुंजाल्स मेकअप। बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे जिनकी जल्दी शादी। हाँ श्योरली बेस्ट ऑफ लक। आपको यहाँ पे बहुत सारे लोगों से आपने मेकअप पहले भी किया होगा, पहले भी आपने ड्रेसअप किया होगा, लेकिन यहाँ पे क्या अलग चीज़ महसूस होती है ऐश्वर्या? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लुक आशमीन मुंजाल स्टार सैलून क्रिएट करता है, इट्स सो परफेक्ट। आपको वो परफेक्शन लेवल जो है वो कहीं और पे नहीं मिलता। एंड दे हैव सच अ ह्यूज वैरायटी। अगर आपको ब्राइडल चाहिए या आपको कॉकटेल चाहिए या आपको एंगेजमेंट लुक चाहिए या सिर्फ एक सटल कोई, यू नो यू वांट टू गो टू अ बीच एंड यू हैव दैट, यू नो यू वांट दैट नेचुरल लुक, आपको हर वैरायटी मिलेगी। एंड जो आप मेकअप अप्लाई करवाते हो स्टार सैलून में, ऐसा लगता नहीं है दैट इट्स अ मेड अप लुक, इट लुक्स सो नेचुरल, जैसा कि हम इस वक्त देख रहे हैं। दिस इज, यू नो, दिस इज मोर ऑफ अ पार्टी ब्राइडल लुक, तो इसमें फिर भी नोटिसेबल है दैट आई एम पुटिंग ऑन मेकअप, बट कुछ लुक्स ऐसी आती हैं जिसमें इट्स वेरी नेचुरल। सो आई थिंक दैट इज, एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद स्टार सैलून फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, मैं उनकी काइंड ऑफ अ रेगुलर मॉडल हूँ। सो इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मुझे स्टार सैलून के साथ एसोसिएशन का मौका मिलता है। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे स्टार सैलून के बारे में जो एसोसिएट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे स्टार सैलून को अप्रोच करें, उनको DM करें, एंड इफ़ यू लाइक द लुक यू कैन गेट इट।
यहाँ पे वेडिंग फेयर में आए हैं, तो वेडिंग फेयर में आने के बाद में आपको कैसा लगा, क्या क्या यहाँ पे आपने देखा? बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। शॉपिंग करूँगी, मैंने आते ही सोचा था, डिसाइड किया था कि मैं यहीं से ही शादी की शॉपिंग करूँगी, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। मैंने तो एक ड्रेस ली है यहाँ से। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। ये क्लॉथ कपड़ों का ही बहुत ज़्यादा, लहंगा ये न्यू नहीं, अभी नहीं करी शॉपिंग, अभी कराए थे शॉपिंग। अगर आपके घर में शादी है, आप भी तैयार हैं दूल्हा बनने के लिए, दुल्हन बनने के लिए, तो एक बार ज़रूर वेडिंग फेयर में आपको आना चाहिए। कैमरा पर्सन पीए चौधरी के साथ मैं आसिफ खान, बाजार लाइव 24 के लिए।